राजस्थान विधानसभा में राज्यसभा चुनावों के दौरान यहाँ पर कोरोना का कहर दिखाई दिया। ये डॉक्टर्स की पूरी टीम है, मेडिकल स्टाफ है, जो कि यहाँ पर आने, जो विधायक वोट डालने आए थे, उनका आज इन्होंने कोविड टेस्ट किया। मैम, कितने लोगों के कोविड टेस्ट हुए? 15 सैंपल्स हुए हैं आज यहाँ। कोई खास कारण था उनमें सिम्टम दिखे? एक्चुअली वो बाहर से आए थे, मतलब स्टेट के बाहर से, तो प्रोटोकॉल है अपने यहाँ पे भी कि जो बाहर से आएंगे उनके टेस्ट होंगे, और वो जब यहाँ से जाएंगे तो उनको भी ये देना होता है प्रूफ कि भाई हम वहाँ से आए हैं। तो जयपुर क्योंकि इसमें है थोड़ा सा, यहाँ केसेस ज़्यादा हैं, तो इस चक्कर में एक MLA फॉरेन से भी आए थे ऑस्ट्रेलिया, क्या उनका भी किया गया? उनका पहले ही हो चुका है। पहले ही हो चुका है। अभी तक कोई सिम्टम्स दिखे उनमें? नहीं, किसी में भी नहीं, किसी में नहीं। और रिजल्ट कब तक आना है? रिजल्ट आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह। आप भी डरे हुए थे कि बाहर से लोग ऐसे ML वगैरह आ रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो 3 महीने से लगे हुए हैं इसमें। तो ये मेडिकल टीम है, देखिए, जो विधायकों के यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आए थे, क्योंकि कई विधायक ऐसे थे जो बाड़ेबंदी में रह रहे थे, राजस्थान के बाहर भी गए और वोट डालने राज्यसभा में आ गए। एक विदेश से भी एक विधायक आए, जब इस तरह की घटना सामने आई तो उन विधायक को, वाजिब अली उनका नाम है, उन्हें PPE किट पहनाया गया और उसके बाद वोट डालने की इजाज़त दी। अब यहां से उनके सैंपल ले लिए गए, करीब 15 विधायकों के सैंपल लिए गए हैं। बहुत बड़ी बात है, 200 विधायक कुल हैं, 198 विधायकों ने वोट डाले हैं, 15 लोगों के सैंपल लिए गए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्वारंटाइन का शायद सही तरीके से पालन नहीं किया, और इसी बात को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार VVIP लोग और आम नागरिक के बीच में नियम कायदों में इतना अंतर क्यों है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।